एक तसव्वुराती एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपकी आज आला हजरत से मुलाकात हो जाए, अभी आपकी आला हजरत से मुलाकात हो जाए, तो आप आला हजरत से क्या बात करेंगे, क्या पूछेंगे? मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की अगर मुझे जियारत हो जाती है होशो हवास में, तो मैं सलाम करूंगा, हाथ चूमूंगा और दुआए मगफिरत करवाऊंगा, क्योंकि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की खुद भी आदत करीमा यही थी कि आप कोई मतलब बुजुर्ग मिले ना तो उनसे मगफिरत की दुआ करवाते थे। एक किस्सा है कि आप जब हज पर गए थे ना, एक साहब को देखा मस्जिद कैफ में कि किबला रू बैठे हुए हैं और अपने वजीफे में मसरूफ हैं। मैं मस्जिद के सहन के दरवाजे के पास था और कोई तीसरा फर्द मस्जिद में था ही नहीं उस वक्त। मैंने यकायक शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट किसी आवाज सुनी, तो मुझे फौरन ये हदीस पाक याद आई कि अहलुल्लाह नेक बंदों के दिल से ऐसी आवाज यानी कि निकलती है जैसे शहद की मक्खी बोलती है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं तो अपना जो विर्द वजीफा था वो छोड़कर उन बुजुर्ग की तरफ चला कि इनसे दुआए मगफिरत करवाऊं। कभी मैं किसी बुजुर्ग के पास बेहमदी तआला दुनियावी हाजत लेकर नहीं गया, जब गया इसी ख्याल से कि इनसे दुआए मगफिरत करवाऊंगा। गरज दो ही कदम उनकी तरफ चला था कि उन बुजुर्ग ने मेरी तरफ मुंह करके आसमान की तरफ हाथ उठाकर तीन मरतबा फरमाया, अल्लाहुम्मग़फिर लिअखी हादा, ए अल्लाह मेरे इस भाई को बख्श दे, ए अल्लाह मेरे इस भाई की मगफिरत फरमा दे, ए अल्लाह मेरे इस भाई को मुआफ कर दे। तो मैंने समझ लिया कि ये बुजुर्ग ये फरमा रहे कि हमने तेरा काम कर दिया, दुआ मगफिरत करवानी थी ना तो कर तो दिए, अब हमारे काम में मुखिल मत बनो, मुदाखलत मत करो। तो मैं पलट गया, वापस लौट गया। तो आला हज़रत मिल जाए तो मैं भी दुआ मगफिरत करवाऊंगा इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ ये होता है कोई किसी के बारे में उसने जन हो जाए कि ये नेक बंदा है, ये दुआ करेगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो हम लोग वही करते हैं कि थोड़ा दुकान आजकल ठप हुई पड़ी है या कारोबार में थोड़ी तकलीफ है फुला, हालांकि सात पेड़ियां खाएं, इतना जमा करके रखा होता फिर भी तकलीफ होती है। तो वो बस वो दुनियावी मामलात के सवालात किए जाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये कि आला हज़रत मगफिरत की दुआ करवाते थे। बुजुर्गों का इम्तिहान में से भी नहीं लेते, इनको ऐसे सवालात करूंगा कि देखो क्या जवाब देते हैं, नहीं, बल्कि दुआए मगफिरत करे, उनकी ज़ियारत करे।